कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला वन के अंदर एक सेफ्टी कार, एक रोड प्रोडक्शन कार क्यों होती है, एक फॉर्मूला वन कार क्यों नहीं, आइए पता लगाते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस आंसर, इस सेफ्टी कार का काम ही गाड़ियों को धीरे करना है, उनको सारी गाड़ियों को बंचअप करना है ताकि मार्शल्स को ट्रैक क्लियर करने में टाइम मिल सके। एक सेफ्टी कार को रेस कंट्रोल कभी भी डिप्लॉय कर सकता है, हैंस इसको पूरे रेस डिस्टेंस के अंदर ऑन और आइडियल खड़ा पड़ता है। वहीं अगर वो एक फॉर्मूला वन कार होगी तो उसको चालू करने के लिए 2.5 घंटे चाहिएंगे। प्लस सेफ्टी कार के अंदर सरप्राइजिंगली इतना इक्विपमेंट डलता है कि फॉर्मूला वन के अंदर कभी वो डल ही नहीं सकता। इमरजेंसी लाइट्स, लाइट स्विचेस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रेस्ट्रेंट्स, रोल केजेस एंड मल्टीपल अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। एंड लास्टली, अगर एक सेफ्टी कार एक फॉर्मूला वन गाड़ी होगी तो उसको बनाने और उसको मेंटेन करने के लिए पूरी टीम चाहिए, विच इज वे वे टू कॉस्टली। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को यूज करा जाए और एक सेफ्टी कार को फ्री में लाया जाए, प्लस उससे कमाया भी जाए। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली ये गाड़ियां होंडा सिटी और स्विफ्ट डिजायर नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैव टू रीच एन एवरेज स्पीड ऑफ 250 और 275 विद ई, सो दैट गाड़ियां जो उनके पीछे चल रही है वो ज्यादा उनके टायर ठंडे ना हो पाए। करंटली एस्टन मार्टिन की वेंटेज और मर्सिडीज की AMG GT ब्लैक सीरीज है जिसको चलाते हैं एक्सपर्ट ड्राइवर बर्ट माइलैंडर।